सब महानुभाव, क्योंकि अगर मैं इतनी जोरदार बारिश हो रही है और उसमें सबका नाम ले लूं तो फिर मुझे लगेगा शायद थोड़ा सा समय, तो मेरी इस त्रुटि को माफ करोगे आप मेयर साहब, डिप्टी मेयर साहब, हमारे सब मंत्रीगण, उपस्थित सब महानुभाव, आप लोगों को सबको मैं प्रणाम करके ये कहना चाहूंगी कि ये 163 मेरे नहीं है, वो सब आप ही के हैं, ये आप लोगों ने किया है, कमाल आपका है, इसलिए मैं बधाई आप लोगों को देना चाहती हूँ। ये एक कोई व्यक्ति अकेला नहीं कर सकता था, इस चीज को आप समझ लो अच्छी तरह से। और मैं जहां भी गई हूं मैंने हमेशा यही कहा है कि कोई भी बहुत ही अद्भुत काम कहीं करना है तो सब समाज मिलके जब एक हो जाते हैं वो चीज फिर क्षेत्र के अंदर अपने को दिखने को मिलता है। इसलिए आज 163 आगे चल के पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर एक प्रेम की भावना, एक साथी के साथ चलने का काम, एक विकास को आगे बढ़ाने का काम ये आप लोग करोगे। और ये मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने आज इस कार्यक्रम के अंदर मुझे याद किया। सिद्धू समाज को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि वो हमेशा कभी मुझे भूलते नहीं है, जब भी उनका कार्यक्रम होता है तो कैसी भी अवस्था हो, चाहे मैं मुख्यमंत्री थी चाहे नहीं थी, जैसे भी हो, आप लोगों ने हमेशा याद किया, हमेशा बुलाया, हमेशा बहुत प्रेम दिया और उसकी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आज आपकी वजह से मुझे झूलेलाल के दर्शन करने का भी मौका मिला, इतने सारे शहीद परिवारों के दर्शन करने का भी मुझे मौका मिला, क्योंकि इन्हीं के अंदर वो शक्ति और बल है जिस शक्ति और बल को लेके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए इतने सारे परिवारों से मिलने का मौका, इतने सारे लोगों से रूबरू होने का मौका, ऐसे परिवारों से आपने मिलने का मौका मुझे दिया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। फिर मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि क्या मूर्ति बनाई है आप लोगों ने, छोटी मोटी नहीं, एक ऐसी मूर्ति बनाई है जिसको देखने के लिए दूर से लोग आएंगे और जिसको याद करके यहाँ से लोग जाएंगे। अब ये तो जयपुर की खूबी है कि जयपुर को कोई कभी ऐसे भूल भी नहीं सकता है, और समाज की खूबी है कि जो भी वो काम करता है वो ऐसे जोर शोर के और मजेदार तरीके से करता है कि सब लोग उसको याद करके जाते हैं। फिर ऐसे परिवार के लोग हैं, खुद हम ही ऐसे परिवार में से आए हुए हैं, जैसे दादा जैसे हमारे परिवार को संभालने वाले लोग जिन्होंने इस देश के अंदर अपनी आवाज उठाई, साथ में पार्टी को अगुवाई दी, और ऐसे व्यक्ति हमारे साथ है तो बताओ इस परिवार के अलग हम हो कैसे सकते हैं। इसीलिए आपको फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस सुंदर से कार्यक्रम में मेरे को आपने बुलाया। हेमू कलानी को याद तो सब लोग करेंगे और मुझे ये चीज जो आपने दी है उसको मैं रखूंगी, क्योंकि इसके ऊपर उनकी तस्वीर है और उस तस्वीर को याद रखने की जरूरत इसलिए है कि 19 वर्ष की उम्र पे कौन हंसते हंसते अपनी जिंदगी दे देता है, और किसी और के लिए, किसी अपने देश के लिए। आज वो परंपरा हम लोग सब भूल गए, वो जरूरी है कि हम लोग उस चीज को याद रखें कि ताकत है, शक्ति है, तो वो हमारे देश की वजह से है। और कोई भी बच्चा उस उम्र में अपने देश के लिए अपनी जान दे सकता है तो वो बहुत ही महात्मा व्यक्ति है। तीन लोग थे, पकड़ सकते थे तीनों को, अगर इस हेमू कलानी ने जब पकड़े गए थे तब कहा होता कि ये नाम है उन लोगों के तो वो भी पकड़े जाते, परंतु उन्होंने उनका नाम नहीं दिया। और जब उनको कहा गया कि आप अगर उनके नाम दे देते हो तो आप भी फांसी से छूट जाओगे, तो हंसते हंसते कह दिया कि भाई हमें कोई चिंता नहीं है, हमें तो हाँ दो लोग साथ में थे, एक वो हथौड़ा था और एक वो छन्नी थी, नाम दिए उन दोनों के, तो उन्होंने कहा ये थे मेरे साथ, और उनका नाम नहीं दिया, हंसते हंसते उस फांसी पे चढ़े और अपना, अपने प्राण, अपने देश और अपने लोगों के लिए दे दिया। मैं ऐसे समाज को नमन करना चाहूंगी जिससे ये पैदा हुए हैं और जिन्होंने आप लोग सबका नाम आगे बढ़ाया है। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हम सबको मिलके, क्योंकि एक बहुत ही मौजिद और संपन्न परिवार है। सिंधु समाज एक ऐसा समाज है जिसके पास बहुत कुछ है, और मैं जानती हूँ कि अगर ये परिवार भी जुड़ता है हमारे प्रदेश के विकास के अंदर और एक एक करके सब लोग जुड़ जाते हैं तो ये प्रदेश का विकास कोई रोक नहीं सकता है। हम सब मिलके इसको करें, इसमें आपका भी हिस्सा हो, हम सबका भी हिस्सा हो, हम तो मेहनत करने को तैयार हैं, आप बस हाथ रखो, प्यार दो, आशीर्वाद में कमी मत छोड़ो,
और इतना याद रखना कि पूरे 5 साल दिए हैं, कल ये मत शुरू करना। सबका साथ रहे और प्यार से साथ रहे, इसके लिए मैं सबको फिर से धन्यवाद देते हुए आप सबको प्रणाम करती हूँ। दादा को प्रणाम करती हूँ कि आज यहाँ आए, हम सबके बीच में आए। और मुक्ता जी, आपके बारे में भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मुक्ता जी आई हैं पुणे से, दादा के साथ आई हैं, और मुक्ता जी का परिवार यहाँ सब लोग जानते हैं, बाल गंगाधर तिलक एक ऐसा परिवार है जिस परिवार के बारे में हमने सबने अपने इतिहास के अंदर बहुत कुछ पढ़ा है। पुणे से, पुणे में भी कॉपरेटर हैं और वहां से दादा के साथ यहाँ आई हैं, तो आज कितने सारे मौजूद ऐसे परिवार जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया, ऐसे लोगों के साथ मिलने का मौका मिला। और मुक्ता जी आप भी आई साथ में और यहाँ आई, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबकी ओर से देना चाहती हूँ, जयपुर के वासियों से देना चाहती हूँ। फिर से आपको सबको धन्यवाद, इस बरसात के अंदर भी आप लोगों ने अपना इतना भव्य कार्यक्रम रखा और इतने जल्दी, क्योंकि मुझे विश्वास है कि सुबह ये नहीं मालूम था आपको कि इतनी जोरदार बरसात होने वाली, कल नहीं मालूम हुआ होगा, फिर भी आपने सब तान तून के तैयार कर दिया है। आप लोगों को सबको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहती हूँ और यही विश्वास रखती हूँ कि समाज फलेगा फूलेगा और हमारे विकास के अंदर जुड़ेगा। सबको धन्यवाद।